दिल्ली में राज्यों के वित्त मंत्रियों की जीएसटी काउंसलिंग मीट में शामिल होने के बाद प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी रायपुर लौटे। उन्होंने जीएसटी काउंसिल मीट के बारे में बताया। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले ही मंच से आरक्षण का मसला स्पष्ट कर दिया है। गांधी परिवार की राजनीति बचाने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। मीडिया से बातचीत में वित्त मंत्री चौधरी ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। इसमें स्वास्थ्य बीमा और पर्यटन क्षेत्रों में जीएसटी कटौती पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि नीति आयोग के साथ चर्चा हुई है और विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए अब नीति आयोग भी सुझाव देने वाला है। बातचीत के दौरान वित्त मंत्री चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने कर्ज अपनी जेब भरने लिया था और कोई काम नहीं किया। उन्होंने राहुल गांधी के आरक्षण संबंधित बयानों पर भी पलटवार किया। में बहुत सारे जनहित के विषयों को हम सबने उठाया और वहाँ भारत सरकार का 33% वेटेज होता है वहाँ के वोटिंग राइट्स पे, और स्टेट्स में भी बीजेपी के अधिकांश राज्य हैं, तो बीजेपी का के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स जो मेंबर हैं उनके या जो चीफ मिनिस्टर जो मेंबर हैं उनके सहयोग से बड़े डिसीजंस वहाँ पर लिए गए। इसमें जनहित के बहुत सारे डिसीजंस जीएसटी काउंसिल में लिया गया, जैसे कैंसर ड्रग्स को पर जो जीएसटी है उसे कम करके कैंसर के ड्रग्स जितनी दवाइयां हैं कैंसर के उसको सस्ता करने का काम किया गया है। टर्म्स इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, इन पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर एक गठित किया गया है ताकि उस पर जीएसटी की दरों को 18% से नीचे ला करके बीमा की जो प्रीमियम है उनको सस्ता किया जा सके। ये एक बड़ा कदम उठाया गया है। जो तीर्थ यात्री हमारे वैष्णो देवी वगैरह जाते हैं उन पर जीएसटी को 12% या 18% कई जगह इम्पोज कर दिया जाता था, उस पर केवल 5% का जीएसटी लगेगा। और इन सब के अलावा जो सबसे बड़ा डिसीजन लिया गया वो रिसर्च ग्रांट, चाहे गवर्नमेंट की ओर से दिया जाए चाहे कोई प्राइवेट बॉडी की ओर से दिया जाए, किसी के द्वारा भी रिसर्च ग्रांट दिया जाता है उसे जीएसटी से मुक्त करने का बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है ताकि रिसर्च की संस्कृति को भारत देश में विकसित किया जा सके और विकासशील राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने में बड़ी मदद हो। इसके अलावा जो 17-18 जो जीएसटी के शुरुआती वर्ष थे 2017-18, 18-19, 19-20, 20-21 इन चार सालों के ITC क्लेम को 30-11-2021 के असेसमेंट के साथ क्लेम किया जा सकेगा। तीन साल के बाद क्लेम नहीं हो पाते लेकिन इन चार सालों के लिए, क्योंकि शुरुआती वर्ष जीएसटी के प्रारंभिक वर्ष थे, इसमें व्यापारी साथियों को बहुत ज्यादा उसमें कई चीजें समझ में नहीं आई होंगी, और बीच के जो 2020-21-22 का जो फेज था वो कोरोना के वर्ष थे, इसलिए 2017-18 से लेकर के चार सालों तक के 2021 तक के ITC क्लेम को 30-11-2021 का जो असेसमेंट भरा जाएगा उस पर क्लेम किया जा सकता है। ये बड़ा निर्णय जीएसटी काउंसिल ने लिया, इसका सीधा लाभ व्यापारी साथियों को मिले। 30-11-2021 तक का जो असेसमेंट भरने का जो डेट है उस समय तक 2017-18, 18-19, 19-20 के भी क्लेम के भी असेसमेंट के आधार पर ITC क्लेम कर सकते हैं। उस पर भी एक बड़ा सुविधाजनक निर्णय लेने के लिए इक्विपमेंट कमेटी को भेजा गया, उस पर भी आगामी काउंसिल निर्णय आज जो देश का नीति आयोग है उसके समक्ष भी हमने आज इस विषय पर बड़ा है ना गहन मंथन किया, लंबा मंथन किया, और अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @2047 उसे तैयार करने के लिए सब लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, और देश का नीति आयोग से भी बहुत सारी कंसल्टेंसी की गई है ताकि उनके एक्सपर्ट्स, उनके उद्योग के एक्सपर्ट, कृषि के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के एक्सपर्ट्स का भी कंसल्टेशन किया जा सके, इसके लिए पूरा प्रयास किया गया है। और इस तरह के डिलीब्रेशन हर लेवल पे जनता के साथ, मीडिया के साथ, अलग अलग एसोसिएशंस के साथ, बस्तर में, सरगुजा में लगातार प्रोसेस किया जा रहा है ताकि एक रोड मैप आने वाले छत्तीसगढ़ के लिए हम निर्धारित कर सकें। और मोदी जी जिस तरह से अमृतकाल में देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं वैसे छत्तीसगढ़ के भी विकसित राष्ट्र का रोड मैप तैयार हो सके, इसके लिए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बहुत गहराई के साथ, जनता के साथ प्रयास कर रही है। ये सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आरक्षण के विषय पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से नरेंद्र मोदी जी पब्लिक मंचों पर स्पष्ट कर चुके हैं कि आरक्षण की व्यवस्था को
अच्छे तरीके से लगातार चलाया जाएगा। अनावश्यक रूप से कांग्रेस झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोल करके अनावश्यक देश में एक कंफ्यूजन, अफवाह पैदा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अल्टीमेटली इनको गांधी परिवार की राजनीति को बचाने के लिए दुष्प्रचार और अफवाह का सहारा ले रहे हैं। ये पहला चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के मामले में राहुल गांधी को जब भी जीत होती है तो ईवीएम सही नजर आता है, और जब हार होती है देश की जनता जनार्दन इनको, इनके परिवारवादी राजनीति को, इनके चापलूसपरक राजनीति को जब धूल चटाती है तो इनको ईवीएम में गड़बड़ियां नजर आती हैं। इस ये इनके जनता के सामने इन्होंने विश्वास खो दिया है, उसको ईवीएम पर दोष मढ़ने का काम राहुल गांधी करते रहते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं।